फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अचानक से बन गया मेरे हम लोग का झांसी का टूर, तो उसकी भी एक वजह है झांसी क्यों जा रहे हैं आप लोग को पता चलेगा। ये हम लोग आउट पे निकल आए, उरई से बाहर निकल आए। ये देखिए उरई का ये निकलने का रास्ता, ये टूल टैक्स पहुँच गए हैं। टूल टैक्स पहुँच कर फिर ये गाड़ी जो आजकल चलता है वो वाला था उसमें निकल बिना रोके ही निकल गए हैं, क्योंकि फर्स्ट जा रही थी तो थोड़ा टाइम लिया उसने। अब ये हम लोग पहुंच गए हैं झांसी के आउटर में, और ये झांसी से फिर हम लोग चल दिए अपने घर के लिए। ये देखिए झांसी का प्रसिद्ध जी, ये झांसी की रानी का स्मारक है, स्टैचू है। ये हम लोग पहुंच गए घर पे, और घर पे पहुंचते ही फिर हम लोग सबसे मिले, क्योंकि झांसी में हमारी सबसे बीच वाली दूसरे नंबर की दीदी रहती है, उनके लड़के बहू रहते हैं। जो लड़का है उनका बड़ा वाला, उसको हो गया है, उसका वो बीमार हो गया था, उसको कैंसर हो गया है, तो उसका इलाज चल रहा था मुंबई में। तो मुंबई से वो वापस होके आया है, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी क्या बोलते हैं उसको कीमो लग चुकी थी, तो उसको वो देखो पीछे आ रहा है, देख रहा होगा आपको। ये हम लोग फिर वहाँ पे जब पुराने घर में रहते थे वहाँ देखने गए। उसके बाद में देखिए होली आ रही, तो होली का ये डांड भी रख गया है, और ये फिर हम लोग ने थोड़ा उधर से घूमा और फिर ये आ गए अपने घर पे। ब्लॉगिंग चल रही है, वही देखो कौन कौन है इधर। एक बड़ी दीदी की बड़ी बहू, एक छोटी दीदी की छोटी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू, छोटी बहू, मतलब हाँ छोटी दीदी की बड़ी बहू है। इनको खा लीजिए, रख के डाल दो, वो है राजू जिसको हम लोग देखने आए हैं झांसी। सादा है ये लड़का है, वो जो पीछे दरवाजे से टिकी खड़ी है वो बहू है, और ये हम लोग जो उड़ाई से आते हैं वो लोग हैं, और ये बच्चे हैं दो उनके। ये बच्चे दोनों ही पढ़ रहे थे, तब फिर इनको बुलाया, चलो मिला दें, दिखा दें वीडियो में, पूरी फैमिली से मिलवा देते हैं। और इसके बाद हम लोग खाना खा पी के होने लगी जाने की तैयारी। अब ये हम लोग निकल चुके हैं अपने घर वापस जाने की, क्योंकि बज गया था 3:30, तो फिर हम लोग ये निकले और हम लोग इसमें अपनी गाड़ी में बैठ के चल दिए अपने उरई शहर के लिए। ये देखिए बाय बाय उरई, सबको बाय बाय। और ये हम लोग निकल चुके हैं झांसी के रेलवे क्वार्टर की लाइन है ये। फिर झांसी से जब बाहर आए तो वहाँ पे मेडिकल साइड में ये डोमिनोज का पिज्जा, सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगी, बोले पिज्जा खाएंगे, तो पिज्जा लिया हम लोगों ने। टैडी दिलवा टैडी दिलवा दो, कितने अच्छे अच्छे टैडी दिलवा। अच्छा स्विमिंग पूल दिलवा दो, होली में बहुत मजा आएगा। अरे तो क्या हो गई, पानी से खेले इसके बाद फिर भाभी का मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी, तो उन्होंने वही सामने खड़ा था ये कवर और स्क्रीन गार्ड डलवाने वाला, तो ये मोबाइल में गार्ड डलवाया भाभी ने। उसके बाद में ये हम लोग पहुंच गए पिज्ज़ा लेने के बाद, क्योंकि पिज्ज़ा जहाँ से लिया था वहाँ से उन्होंने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली थी, यहाँ बाहर से ली, तो ये ली मैं हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक। 1 लीटर वाली नहीं थी तो ये 2 लीटर वाली में ली है, तो ये लेके आया। इसके बाद ये खोला गया पिज्जा, देखिए ये लार्ज पिज्जा है। फिर हम लोगों ने सबने इसमें हर जो मसाले पैकेट मिलते हैं सब खोल खोल के डाले। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया और हम लोग ये पहुंच गए उरई के अंदर घुस गए। ये देखिए द्वार पर, उरई का ये द्वार है अंदर जाने का, और ये हम लोग पहुंच गए अपनी रोड पर। ये देखिए रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और वहाँ से जाने के बाद फिर विंकी ने बोला हम लोग को उसके
वो खाने क्या कहते हैं उसको, ये देखिए वो जमुना पैलेस का जो चौराहा है वहाँ पहुँच गया। ये हम लोग पहुँच गया मेडिकल के पास, जो मोमोज खाने, ये स्टीम मोमोज, ये देखिए आ गए गर्मा गर्म, बढ़िया टेस्टी, क्या बढ़िया टेस्टी चटनी, क्या बढ़िया मोमोज, बहुत अच्छे लगे। हम लोग खाते खाते गाड़ी में गए, खाते खाते कब घर आ गया पता ही नहीं चला। और जब हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो हम लोग पूरे आ गए थे अपने घर में। ये देखिए आ गए हैं, पहुँच गए अपने घर में। फिर से बोलो, क्या फिर से बोलो। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और जो मेरे को चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चटनी बिल्कुल आइए खाइए।